हेलो एवरीवन, एक री करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 47 में। पिछली वीडियो के क्वेश्चन नंबर 47 में एक री करेक्शन है, तो वो री करेक्शन क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। तो वो री करेक्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की जगह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो ये करेक्ट आंसर मैंने कहाँ से असेंबल किए हैं, आंसर कीज से असेंबल किए हैं। तो कई बार क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंसर की सही ही हो, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है आंसर की के साथ कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत वहाँ पे लिखा हुआ है, गलत छपा हुआ है। और अभी मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है कि मैं पर्सनली सारे क्वेश्चंस का आंसर्स असेंबल करने के बाद क्वेश्चन एंड आंसर चेक करूं डबल, क्योंकि नेट एग्ज़ाम तक जो कि 16th को हो सकता है तब तक मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी हूँ, इस वजह से कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं आ रही है चैनल पे। बट मैं आप लोगों की हेल्प के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आंसर असेंबल करके वो प्रोवाइड करा रही हूँ टिल दी UGC नेट एग्ज़ाम। तो ये रिकरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये रिकरेक्शन आप सभी को करना है, क्योंकि ये मैंने नोट्स बाद में मेरे जो पर्सनल नोट्स थे वो मैंने उस पेज का एक एरिया यहाँ पे लगाया हुआ है कि चेंजेस इन मसल में चार मेनली तीन चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन होता है, सेकेंडरी रिलैक्सेशन जैसे हम फ्लैक्सिडिटी भी कहते हैं, बट उसके बीच में राइगर मोर्टिस या तो फिर कैडेवेरिक रिजिडिटी या कैडेवेरिक स्पाज्म आता है। तो प्राइमरी रिलैक्सेशन के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी रिलैक्सेशन नहीं होती है, तो इस वजह से ये जो आंसर है उसका ऑप्शन डी करेक्ट होता है, जो कि आंसर की में गलत लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 2012 का पेपर 3 करेंगे फॉरेंसिक से रिलेटेड। पहले दो पेपर होते थे ना, पेपर टू फॉरेंसिक के दो पेपर होते थे, पेपर टू एंड पेपर थ्री। तो पेपर टू हमने कर लिया, पेपर थ्री अभी करेंगे। ओके, फिर 2012 के बाद 13, 14, 16 जितने भी कवर कर पाते हैं सारे के सारे कवर कर लेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आंसर की से ही असेंबल किए हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर डबल चेक करूँगी, बट अभी थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम है मुझे, सो सॉरी फॉर दैट। एंड हाँ, ये रिकरेक्शन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।